आंध्र प्रदेश अमरावती अरुणाचल प्रदेश ईटानगर असम दिशपुर बिहार पटना गोवा पणजी गुजरात गांधीनगर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश शिमला कर्नाटक बेंगलुरु केरल तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई मणिपुरम बिहार मेघालय शिलांग मथुरा मैसूर नागालैंड कोमा उड़ीसा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान जयपुर सिक्किम गंगटोक तमिलनाडु चेन्नई त्रिपुरा अगरतला उत्तर प्रदेश लखनऊ वेस्ट बंगाल कोलकाता छत्तीसगढ़ रायपुर उत्तराखंड देहरादून झारखंड राज्य तेलंगाना हैदराबाद दिल्ली न्यू दिल्ली अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली दमन दीव दमन लक्षद्वीप कोरटी पुडुचेरी पुडुचेरी जटांडवी गलज्ज्वल प्रपाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग्रतुंड मालिका दमड्डमड्डमड्डमन्निनाद मड्डपर्वयं जकार चंड तांडवं तनोदुन शिवं आ हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आय शरणव ते हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठो मृग्न छाए माथे चंद्र विराजे तन नान नान नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार मैं आपको जौनपुर की खबरें दिखाता रहता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि गूगल का नाम आप सुनते हैं, सुनते नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन पे जाते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं, तुरंत एक मिनट के अंदर, 30 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत आंसर आ जाता है। लेकिन जौनपुर में लगातार प्रतिभाएं एक से एक उभर के सामने आ रही हैं और वो भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस समय हम जौनपुर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में, क्या नाम है मोहल्ले, हुसैनाबाद एक मोहल्ले में हैं और एक बिटिया है जिसका नाम है वैष्णवी श्रीवास्तव। हम बात करें वैष्णवी श्रीवास्तव की, तो ऐसा भारत का कोई चैनल नहीं है जिस चैनल पे बिटिया चली ना हो और गूगल गर्ल्स के नाम से फेमस है। आप बहुत सारे गूगल्स बॉयज गूगल्स गर्ल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन जौनपुर में भी एक ऐसी प्रतिभा है जो कि इंटरनेशनल अवार्ड और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, अगर हम बात करें तो एशिया से लेके दुबई तक और दुबई से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके भारत तक, मतलब ऐसा कोई देश, बहुत कम ऐसे देश बचे हैं जहां से इनको रिकॉर्ड, जहां से इनको अवार्ड ना आया हो। और बहुत सारे अवार्ड के बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहां देखिए तस्वीरें आपके सामने लगी हुई हैं और यहां पे सम्मान समर्पण कुमारी वैष्णवी श्रीवास्तव गूगल गर्ल्स। उधर देखिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। और रही बात, अब हम सीधा बिटिया से मुलाकात कराएंगे और बातचीत करेंगे खास। और आप देखिए, ये बहुत एक प्रेरणादायक, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जहाँ पे खेलने की उम्र कहा जाए, लेकिन आज ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना रही है। ये देखिए बहुत सारे मेडल्स हैं, अगर हम बात करें, ये देखिए तस्वीरें, आप एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड एशिया का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स। ये देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब कई सारे बुक्स में बिटिया अपना रिकॉर्ड बना चुकी है, इंटरनेशनल बुक ऑफ अवार्ड। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पहली बार ऐसा इंटरव्यू करने का मौका मिला है। आपको बता दें, इनका नाम वैष्णवी है, इन्हीं से बात करेंगे। का नाम बा बिटिया तहार? वैष्णवी श्रीवास्तव। वैष्णवी श्रीवास्तव, आपको बता दें वैष्णवी श्रीवास्तव जौनपुर की धरती, माई शीतला की धरती, और हमें लगता है कि माँ शीतला की कृपा इनके ऊपर साक्षात है। और हम बातचीत करेंगे और समझेंगे, अगर बिटिया हम बात करें तो आपको क्या क्या याद है? मुझे इंडिया के 28 स्टेट, उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल, और 196 कंट्रीज और उसकी कैपिटल। तो बेटा, अगर हम बात करें तो किस क्लास में आप पढ़ती हैं? फोर्थ में। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई? इसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे? मेरे पापा को। पापा याद करवाते हैं या आप खुद से याद करती हैं? मेरे पापा याद करवाते हैं। और जब ये सारे अवार्ड्स देने के लिए आपको बुलाए जाते हैं, इधर एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गिरीश चंद यादव जो कि जौनपुर के मंत्री जी भी बिटिया को अवार्ड दे चुके हैं, यहाँ पे देखिए लाइव तस्वीरें, और बगल में जिलाधिकारी जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जब बेटा आपको अवार्ड मिलते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बदलापुर महोत्सव में आप गई थी, बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा जी आपको सम्मानित किए थे, कैसा लगा था?
बहुत अच्छा लगा। और जो मीडिया वाले आपको घेरते हैं, सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? कि आप कैसे इसको कर लेती हैं। अच्छा, कैसे याद हो जाता है ना? सही बात है, कैसे याद करती हैं? जैसे याद हो जाता है। अच्छा, ऐसे याद हो जाता है। चलिए, अच्छा कुछ कैपिटल्स स्टेट और कुछ कैपिटल्स के नाम बताइए। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर असम दुष्पुर बिहार पटना गोवा पर्ची गुजरात गांधीनगर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश शिमला कर्नाटक बेंगलुरु केरला तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई मणिपुर इम्फाल मेघालय शिलांग मथुरा मैसूर नागालैंड कोमा उड़ीसा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान जयपुर सिक्किम गंगटोक तमिलनाडु चेन्नई त्रिपुरा अगरतला उत्तर प्रदेश लखनऊ वेस्ट बंगाल कोलकाता छत्तीसगढ़ रायपुर उत्तराखंड देहरादून झारखंड राज्य नगर हैदराबाद दिल्ली न्यू दिल्ली अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली दमन दीव दमन लक्षद्वीप करौटी पुडुचेरी लद्दाख ले जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर अफगानिस्तान काबुल अलबान त्रानल जीरल जस एंडोरा एंडोर लवेलंग गोलल वन टेंटिगन बर्ड सिंडोन सेंटेट इंडा मिनोसार्स आर्मेनिया येरेवान ऑस्ट्रेलिया कैनवास श्रिया वेना अजरबैजान बाकू बमास अथवा बेरिन में बांग्लादेश जाका बारबाडोस ब्रिस्टन बेलारूस बेल्जियम बेलीज मेलबर्न बेल्ट। बस 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 बेटा, रुक जाइए। आपको बता दे दोस्तों, कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक लाइन लिखे हैं कि जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो ऐसा लगता है कि बिटिया के ऊपर साक्षात जगत जननी जगदम्बा जी के आशीर्वाद की कर पूजा करे लू सुबह उठ के। सभी भगवान की। सभी भगवान की, लेकिन सभी भगवानों में एक भगवान को आप ज्यादा मानती होंगी, वो कौन से भगवान है? माता जी हैं या भगवान है? सभी भगवान को मानती हूँ। सभी भगवान को मानती हो। पापा का क्या श्रेय है आपके इस सफलता में? कैसे पढ़ाते हैं आपको? जैसे मैं खेलती हूँ तो वो खेल खेल में ही बताते हैं और मुझे याद हो जाता है। याद हो जाता है ना। मैं आपको बता दें कि आईक्यू लेवल दोस्तों, आज के जितने भी पेरेंट्स हैं, भारत देश के जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने बच्चों का आईक्यू लेवल चेक करवाते हैं कि क्या है आईक्यू लेवल और कैसे ये भारत देश के लिए या अपने समाज के लिए अपने परिवार के लिए कैसे नाम रोशन कर सकती है। लेकिन बिटिया वैष्णवी की अगर बात करें तो हमें लगता है कि इनका आईक्यू लेवल कोई नाप ही नहीं सकता। सही है क्या? खर्राटेदार एकदम झमझम झमझम बता रही हो, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। सही बात है ना? और पोयम आता है आपको? पोयम हाँ, आता है। हाँ। तो सुना दो जरा बेटा, एक पोयम सुना दो दर्शकों को। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल कुछ जोकर से तोंद फुलाए कुछ हाथी से सूर उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी कुछ अपने थैलों में छुप कर झरझर झर बरसाते पानी रह रह कर छत पर आ जाते फिर ऊपर से उड़ जाते कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते फिर भी लगते बहुत भले मन के भोले भाले बादल। क्या बात है। कोई संस्कृत में श्लोक जानती हो बेटा? संस्कृत में शिव तांडव सुनाओ बेटा। जटांडवी गलज्ज्वल प्रपाह पावितस्थले गलेवलंभ्य लंबिताम्बुजंग्रतुम दमालिका दमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्ड पर्वयम जकार चंड तांडवम तनोदुन शिवम आ हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आय शरणव ते हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठो मृग्न छाए माथे चंद्र विराजे तन नान नान देखिए दोस्तों, बिटिया को शिव तांडव भी याद है और क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम इनसे क्या क्या क्वेश्चंस करें और इतने सारे क्वेश्चंस याद है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओगी? रामनाथ कोविंद। क्या बात है। प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम? योगी आदित्यनाथ। क्या बात है। देखिए दोस्तों, गूगल गर्ल्स और कहा जाए तो वाकई में ये सारी चीज़ें झलक रही हैं और ऐसी खबरें देखने के लिए आप लगातार पीजी न्यूज़ से जुड़े रहें। हम इनके पिताजी से भी दो चार क्वेश्चंस करेंगे। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बिटिया इतने बड़े मुकाम को हासिल की है और बहुत सारे रिकॉर्ड जब आउट ऑफ कंट्री से आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। वैष्णवी जब भी कोई रिकॉर्ड बुलाती है या सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है।
और सम्मान भी इनको अगर मिलता है तो और ज़्यादा हम गौरवान्वित होते हैं जी। अगर हम बात करें सर की घर में बेटे और बेटी में थोड़ा से फर्क किया जाता है, लोग बेटे को ज़्यादा सम्मान करते हैं और ज़्यादा मानते हैं, बेटियों को थोड़ा दबा के रखते हैं, तो क्या ये करना उचित है या बेटियों को भी बेटे से ज़्यादा दर्जा देना चाहिए? ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए, जो देगा वो ईश्वर देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, और जो भी है उसके लिए फिर बच्चों के साथ आप उसकी प्रतिभा को देखिए और उसके साथ मेहनत करिए और उसके मेहनत को सबके सामने ले आइए और उसकी सफलता के लिए आप भी मेहनत करिए। सर कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटियाँ हैं। केवल दो बेटियाँ? हम दूसरी बेटी को भी अपने न्यूज़ में आपको दिखाना चाहते हैं। ये सर के पास केवल दो ही बेटी हैं, इधर आ जाइए, आ जाइए हमारे पास आ जाइए। ये देखिए एक बिटिया और है, हमें लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास रचेगी, और किस क्षेत्र में रचेगी अब ये तो समय बताएगा। का नाम बताहर? आशीष श्रीवास्तव। क्या नाम है बेटी? आशीष श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो अभी? क्लास फर्स्ट में जाऊंगी। अच्छा, क्लास फर्स्ट में जाओगी। भोजन में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? पनीर की सब्जी। क्या बात है, पनीर की सब्जी, जय हो जय हो। तो पिताजी पनीर बनवाते हैं? हाँ। अच्छा ये बतावा, ये जब अपने बहन के देखे लूँ, मतलब ये बहन जी इतना त्योहार आगे बढ़िन, आज बहुत इंटरनेशनल अवार्ड सब जीत रहे हैं, ये कैसा लगता है बिटिया? अच्छा लगता। अच्छा लगता है ना। क्या बनना चाहोगी आप क्या बनोगी? अभी नहीं पता। हाँ अभी नहीं पता वाह, चला ठीक बा, चला चला। तो ये देखिए दो बहनें हैं सर के पास और हम बात करेंगे। अच्छा बिटिया, अगर वैष्णवी आपसे पूछे आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। कब सोचोगी? इतना आप इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना चुकी हो, सोच लो, जो आप सोचोगी वो बनोगी, क्योंकि भारत सरकार आपके साथ है और बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी, सही है कि नहीं? हाँ। हाँ? अच्छा अच्छा, पिताजी तो बतावत रहन कि डॉक्टर बने के बाद कुछ का ऐसा विचार? हाँ थोड़ा लगता है कि डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अभी उतना अच्छे से नहीं सोचा। अच्छा ऐसा नहीं सोचा है, चलिए ठीक है, जो भी आप सोचेंगे बहुत अच्छा सोचेंगे। पिताजी से और एक दो सवाल करेंगे। सर अगर हम आपसे पूछे कि बिटिया को आप क्या बनाना चाहते हैं? हम तो इसको स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। हम चूँकि जौनपुर ज़िले में वो व्यवस्था थी नहीं, बन नहीं पाए, और लेकिन अब बिटिया हमारे स्पोर्ट्स में है इंटरेस्ट, लेकिन उससे ज़्यादा वो पढ़ाई में है, तो जिसमें इसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वही इसको हम बनाना चाहेंगे। हम अब हम नहीं चाहेंगे कि हम क्या बनना चाहते, वैष्णवी जो बनना चाहते वो इसको बनाना चाहते हैं जी। जी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को इतनी बड़ी सफलता के लिए बिटिया ने हासिल किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी गार्जियंस को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ उनको पढ़ाने पे और उसके साथ और भी प्रतिभा में जो भी है उनके मेहनत करके उनको निखारना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पीजी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अभी तक दोस्तों जौनपुर का नाम ISPCS के खान में आता था, माधवपट्टी जौनपुर के वायरल कलाकारों में आता था, लेकिन अब गूगल गर्ल्स में आ गया है एक बिटिया वैष्णवी जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना चुकी है। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए, ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए लगातार आप PG न्यूज़ से जुड़े रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रवीण नाविक, कैमरा पर्सन सूरज के साथ, जय हिंद जय भारत।